प्यारे दोस्तों नमस्ते। आज मैं आपको मकर संक्रांति की कथा सुनाने जा रही हूँ। मकर संक्रांति हिंदुओं का महत्वपूर्ण पर्व है। ये जनवरी महीने की 14 या 15 तारीख को मनाया जाता है। ये पर्व भगवान सूर्य को समर्पित है, जिनके बिना सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती। इस दिन सूर्य भगवान धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसीलिए इसे मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं, ऐसा ज्योतिषियों का मानना है। सूर्य भगवान दक्षिण की यात्रा पूरी कर उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हैं। इस दिन लोग व्रत भी रखते हैं और भरपूर दान दक्षिणा देते हैं। ये महत्वपूर्ण और पवित्र दिन है, इसलिए इस दिन दिया गया दान और दिनों की अपेक्षा 100 गुना फल देता है। इस दिन तिल का दान दिया जाता है। मकर संक्रांति की चर्चा पुराणों में भी मिलती है। भविष्य पुराण के अनुसार सूर्य की दिशा में परिवर्तन के कारण व्रत रखने की परंपरा है। संक्रांति के पहले दिन व्रत में एक बार भोजन किया जाता है। संक्रांति के दिन तेल और तिल मिले हुए पानी से स्नान किया जाता है। इसके पश्चात सूर्य भगवान की प्रार्थना की जाती है। लोग तीर्थों में जाकर गंगा स्नान तथा दान आदि का पुण्य कर्म करते हैं, इससे मोक्ष की प्राप्ति का अवसर मिलता है। संक्रांति के दिन अपने पितरों का तर्पण और ध्यान भी किया जाता है, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। भविष्य पुराण में मकर संक्रांति की व्रत कथा और उसकी विधि का पूरा विवरण मिलता है। इस कथा के अनुसार भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने जाते हैं। शनि मकर राशि के देवता हैं, इसलिए इस पर्व को मकर संक्रांति नाम दिया गया है। मकर संक्रांति का वर्णन महाभारत में भी मिलता है। महाभारत की कथा के अनुसार गंगा पुत्र भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। भीष्म पितामह महाभारत के युद्ध में कौरवों के सेनापति थे। वो महान योद्धा थे। जब वो अर्जुन के बाणों से विद्ध होने के पश्चात बाणों की शैया पर गिर पड़े, तो उन्होंने मकर संक्रांति की महिमा को जानते हुए अपनी मृत्यु के लिए ये दिन चुना था। महान ज्ञानी होने के कारण उन्हें पता था कि सूर्य के दक्षिणायन होने पर मोक्ष नहीं मिलता, फिर से धरती पर जन्म लेना पड़ता है। महाभारत के युद्ध के पश्चात जब सूर्य उत्तर दिशा की ओर उन्मुख हुआ, तब भीष्म पितामह ने प्राण त्याग दिए। एक अन्य कथा के अनुसार हिंदुओं में ये मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन माँ गंगा स्वर्ग से उतरकर धरती पर राजा भागीरथ के पीछे पीछे आईं। वो कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई गंगा सागर तक आ गईं। धरती पर उतरने के कारण गंगा के पवित्र जल से राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों का तर्पण किया था। संक्रांति के दिन गंगा सागर में नदी के किनारे भव्य मेला लगता है। मकर संक्रांति के व्रत के संबंध में एक तीसरी कथा भी प्रचलित है। इसके अनुसार माता यशोदा ने मकर संक्रांति के दिन संतान की प्राप्ति के लिए व्रत रखा था। इस दिन औरतें तिल गुड़ आदि दूसरी औरतों को बांटती हैं। तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई थी। इसका दान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। तिल की तासीर गर्म होती है, ये शरीर को रोगों से दूर रखती है। इस दिन तिल का दान करना अति शुभ रहता है। ये दान शनि और राहु की पीड़ा से मुक्ति दिलाता है। सूर्य देव प्रसन्न होकर यश वृद्धि करते हैं। दोस्तों, आशा है आपको मकर संक्रांति के व्रत के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। ऐसी और जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें।